नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, पिछले 3 सालों से हम आपके लिए पॉलिटेक्निक की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको धमाकेदार क्लासें भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो तत्काल की करंट न्यूज आई है इसके अबाउट। साहब, ये वीडियो आज का जो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी यह वीडियो न केवल सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए बल्कि जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर ये कहा जाए तो आज का ये वीडियो ओवरऑल पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप अपने दोस्त सौरभ ओझा से, यानी कि मेरे से, कुछ अपने डाउट्स रखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में जाएं और वहां पर आप लिख सकते हैं कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी सर। तब हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, कमेंट में हम आपको अपना नंबर देंगे, आप उस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे और आप अपने डाउट्स हमसे रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके पेपर से कब होने वाले हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके पीछे पॉलिटेक्निक के सारे बच्चे परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि पेपर उनके कब होने वाले हैं। चूंकि अभी कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि पेपर उनके ऑनलाइन होंगे, ऑप्शनल होंगे, घर से होंगे, तब क्या संभव है यहाँ? और अगर पेपर होता है तो पेपर कब से होगा? क्या सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों का भी पेपर होगा या फिर वो प्रमोट कर दिए जाएंगे या केवल सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंटों का पेपर होगा? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, पूरा आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट हैं उनको हम बताने वाले हैं कि उनका पेपर कब होने वाला है और उनके लिए आज के इस वीडियो में क्या है खास, उनको भी हम बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो 21 जुलाई से होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा 21 जुलाई से होगी। अब देखिए, इसमें हम आपको आगे बताने वाले हैं कि सम सेमेस्टर में क्या केवल सिक्स सेमेस्टर के लिए ही है यह न्यूज या फिर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये किस समाचार पत्र का है। तो ये अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस समाचार पत्र का है, लेकिन ये लखनऊ से पब्लिश्ड है इसीलिए इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, सोमवार को बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसके बाद ही यह मंगलवार को इस न्यूज का आना, जिससे लगता है कि हाँ, यह न्यूज परफेक्ट है, करेक्ट है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा लेट प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन बिल्कुल सटीक तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं इस पर एक्सप्लेनेशन। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 जुलाई से शुरू होकर के 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएंगी। अब यही लाइन आप सभी पढ़ लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, मतलब तीन के तीनों जितने भी सम सेमेस्टर वाले हैं, चाहे वो सेकेंड हो, फोर्थ हो या फिर सिक्स हो, सभी के एग्जाम होंगे और एग्जाम उनके 21 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब 10 दिनों के भीतर ही टोटली कंप्लीट कर दिए जाएंगे, यह बोर्ड की तरफ से कहा गया है। इसमें यह भी आपको आगे बताया गया है कि यह निर्णय सोमवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि बैठक में पॉलिटेक्निक सेमेस्टर छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 से 25 जुलाई तक, मतलब जो आपके सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम होने हैं वो 21 से 25 जुलाई के बीच में होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्या बताया गया है, सेमेस्टर उसके अतिरिक्त जितने भी और बचते हैं, चाहे वो सेकेंड हो या फिर फोर्थ हो, इनके जो सेमेस्टर एग्जाम है ये 26 से 31 जुलाई तक होंगे। मतलब जो एग्जाम से होना है वो दो फेज में होगा। पहले फेज में छठे सेमेस्टर वालों का होगा आपका 21 से 25 तारीख तक, और फिर सेकेंड फेज में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा 26 से 31 जुलाई तक। जानकारी के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट भी कुछ ही दिनों में घोषित कर दी जाएगी। वहीं विषम सेमेस्टर दूसरे तीसरे, वहीं विषम सेमेस्टर यहां पर आपका होना चाहिए पहले, पहले तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में संपन्न हो चुकी है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब बस छात्रों को इंतजार है तो विषम सेमेस्टर के रिजल्ट का, और रिजल्ट के अबाउट जिस दिन हमको थोड़ी सी भी जानकारी मिलेगी हम आपके लिए अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाएंगे। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के, उनके लिए क्या है वीडियो में खास।
तो उनके लिए खास यही है कि जो एग्जाम की तिथि है, आवेदन की जो तिथि है, मतलब फॉर्म फिल करने की तिथि है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले डेट 15 मई थी, फिर 15 जून की गई, और अब डेट जो है वो 15 जुलाई कर दी गई है। मतलब अभी भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों जो कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हों, तो आप उनको बता सकते हैं कि उनके जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ गई है। और देखिए, अब इसके साथ आइए बात कर लेते हैं कि पेपर संभवतः कब हो सकता है। अगर आपका 15 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि 15 अगस्त तक, 15 से 20 अगस्त तक आपके पेपर संभव हैं, क्योंकि एग्जाम आपके फॉर्म भरने से कम एक महीने बाद ही एग्जाम संभव है, उसके पहले तो एग्जाम होना थोड़ा सा असंभव है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर हम यह भी दिखा दें कि जहाँ से ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपके लिए हमने निकाला है, उसका हम आपको थोड़ा सा ये विवरण भी दिखा दे रहे हैं कि AKTU ने कहा है कि 20 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। और इसमें अगर आप इस साइड आ जाएंगे तब आपको यहाँ पर वही न्यूज़ मिल जाएगी जिसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको अभी दिया है। तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो भी जानकारी आपके साथ साझा की है वो आपको पूर्णतः पसंद आई होगी और आप भी उससे सेटिस्फाई होंगे। अब हम फिर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप फटाक से नीचे कमेंट में जाएं, कमेंट में लिख सकते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट मी सर या प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट नंबर सर, तब हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम अपने टीम का, पांडे जी टेक्निकल टीम का कॉलिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द हम सेकंड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।